रोहित पटेल एमपी और उदित हरियाणा। सत्तावन किलोग्राम सेमीफाइनल मैच एमपी और हरियाणा के बीच रोहित पटेल रेड कॉस्ट्यूम में और हरियाणा से उदित ब्लू कॉस्ट्यूम में। बहुत ही शानदार एंकल होल्ड उठा लिया है और पीछे चले गए हैं। दो पॉइंट अर्जित करते हुए उदित ने खाता खोल लिया है। जीरो दो का स्कोर और यहां से पीछे जाने में रोहित कामयाब। एमपी से रेड कॉस्ट्यूम में है रोहित पटेल और हरियाणा से ब्लू कॉस्ट्यूम में उदित। और स्कोर की बात करें तो 1-2 का स्कोर हो गया है। डिस्कस कर रहे हैं वैसे स्कोर को लेकर। दो पॉइंट दे दिए गए हैं। बराबरी का स्कोर हो गया है। 2-2 का स्कोर हो गया है। बहुत ही जबरदस्त कांटे का मुकाबला। 2-2 का स्कोर। 57 किलोग्राम भार वर्ग का सेमीफाइनल मैच एमपी और हरियाणा के बीच चलता हुआ। और स्कोर की बात करें तो 2-2 का स्कोर। दोनों ही पहलवानों के 2-2 पॉइंट हैं। लास्ट पॉइंट है रोहित पटेल। स्कोर करना होगा यहां पर और बहुत ही शानदार मोड़ा लगाया और टेक डाउन किया रोहित ने। बहुत शानदार डिफेंस काउंटर करते हुए उदित। एक पॉइंट रोहित पटेल के खाते में आता हुआ। 3-2 का स्कोर। बहुत ही आक्रामक तेज तर्रार। यह बगलडू करने की कोशिश एंकल होल्ड टेक डाउन करने की कोशिश उदित के द्वारा और बहुत ही शानदार तरीके से पीछे जाने में कामयाब और डेंजर्स करने में कामयाब। 3-4 का स्कोर। 2 पॉइंट और आते हुए उदित के खाते में 3-4 का स्कोर हो गया है। फतीले बांधने की कोशिश कर रहे हैं। 1 पॉइंट की लीड उदित के खाते में और यहां से भारंदाज लगा दिया है उदित ने। और 2 पॉइंट और आते हुए उदित के खाते में और एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं लेकिन रेफरी का इशारा स्टैंडिंग पोजिशन के लिए। 57 किलोग्राम भार वर्ग का सेमीफाइनल मैच बहुत ही जबरदस्त कांटे का मुकाबला चला हुआ है। 3-6 का स्कोर है। 3 पॉइंट की बढ़त हो गई है उदित के पास। सत्तावन किलोग्राम भार वर्ग का एमपी और हरियाणा के बीच सेमीफाइनल मुकाबला। 3 पॉइंट की बढ़त उदित के खाते में उदित के पास है और इस बढ़त को कवर कर पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी रोहित पटेल के द्वारा। 3 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं लगातार और यहां से पीछे जाने की कोशिश और यहां से कलाजंग दाव लगा दिया है रोहित पटेल ने। बहुत ही शानदार कलाजंग और 4 पॉइंट आते हुए रोहित के खाते में। बहुत ही जबरदस्त आक्रामक तेज तर्रार ये कुश्ती चलती हुई कांटे का मुकाबला। 7-6 का स्कोर। जहां से 3 पॉइंट की लीड थी वहां से अब 1 पॉइंट की लीड उदित के पास रोहित के पास। 1 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं उदित और 30 सेकंड का ब्रेक हो गया है। बहुत ही आक्रामक तेज तर्रार ये मैच चलता हुआ। 57 किलोग्राम भार वर्ग का सेमीफाइनल मुकाबला। बहुत ही जबरदस्त कांटे का मुकाबला चलता हुआ। 7-6 का स्कोर हो गया है और यहां से कलाजन पटेल ने लगाया। बहुत ही शानदार कलाजन और 4 पॉइंट एक साथ खाते में जुड़ते हुए।
और 30 सेकंड के ब्रेक के बाद एक बार फिर मैच शुरू होता हुआ। और स्कोर की बात करें तो 7-6 का स्कोर है। उदित एक पॉइंट से पिछड़ रहे हैं, एक पॉइंट और जरूर लेना होगा अगर ये मैच जीतना है। और पटेल एक बार फिर कोशिश करते हुए डिफेंस करते हुए और पीछे जाने की कोशिश उदित के द्वारा, और वहाँ कामयाब हो गए हैं पीछे जाने में और 2 पॉइंट और अर्जित कर लिए हैं। और स्कोर हो गया है 7-8 का। बहुत ही ज़बरदस्त आक्रामक तेज तर्रार ये कुश्ती चलती हुई, और भार अंदाज भी लगा दिया है उदित ने। 2 पॉइंट और आते हुए उदित के खाते में और स्कोर हो गया है 10 पॉइंट उदित का। 3 पॉइंट की लीड हो गई है उदित के पास। बहुत ही शानदार मैच, सेमीफाइनल मुकाबला मध्य प्रदेश और हरियाणा के बीच चलता हुआ। 3 पॉइंट की लीड एक बार फिर उदित के पास हो गई है। और एंकल होल्ड उठाने की कोशिश, टेक डाउन करने की कोशिश, ऊपर से होल्ड किया हुआ है रोहित ने। और यहां से उठा लिया है और रोल कर दिया है रोहित ने। 2 पॉइंट और रोहित के खाते में आते हुए 9-10 का स्कोर, जहां से 3 पॉइंट की लीड थी और 1 पॉइंट की लीड रहती हुई। और समय की बात करें तो 2.5 मिनट, मतलब कि 1 मिनट 40 सेकंड का समय शेष रहता हुआ 1 पॉइंट की लीड रह गई है उदित के पास। और स्कोर 9-10 का, बहुत ही जबरदस्त काटे का मुकाबला चला हुआ है एमपी मध्य प्रदेश और हरियाणा के बीच। चैलेंज उदित की तरफ से चैलेंज किया गया है, और चैलेंज वन होगा या लॉस होगा ये देखने वाली बात होगी रिप्ले देखते हुए जजेज और रेफरी। यहां पर चैलेंज वन होता हुआ, और स्कोर की बात करें तो 9-12 का स्कोर हो गया है। 3 पॉइंट की बढ़त एक बार फिर उदित के पास। और इस बढ़त को कितना कायम रख पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। 3 पॉइंट की बढ़त है उदित के पास। 9-12 का स्कोर है रोहित पटेल, और यहां से एक बार फिर डेंजरस पोजीशन में है रोहित। बाई फॉल का खतरा, लेकिन डिफेंस करते हुए। और स्कोर की बात करें तो 9-16 का स्कोर हो गया है। बहुत ही जबरदस्त मैच, और भारमदाज लगाने की कोशिश हरियाणा के पहलवान उदित के द्वारा, लेकिन रेफरी का इशारा स्टैंडिंग पोजीशन के लिए। 9-16 का स्कोर, 7 पॉइंट की लीड हो गई है उदित के पास। और यहां से एक बार फिर पीछे जाने की कोशिश उदित करते हुए, डबल लैग अटैक लगाने की कोशिश रोहित के द्वारा की गई, लेकिन डिफेंस करने में कामयाब उदित। और एक बार फिर टर्न कर दिया है बहुत ही शानदार तरीके से। 2 पॉइंट और आते हुए उदित के खाते में, स्कोर हो गया है 18 का स्कोर। एक तरफा मुकाबला, जहां से लग रहा था कांटे का मुकाबला है, अब ये एक तरफा मैच हो गया है। और मात्र 10 सेकंड का समय शेष रहता हुआ इस मैच का, रोहित पटेल 9 पॉइंट, डबल लेग अटैक लगाने की कोशिश, पीछे चले गए हैं, टेक डाउन कर दिया है, 2 पॉइंट आ गए हैं खाते में। 11-18 का स्कोर हो गया है। बहुत शानदार तेज तर्रार आक्रामक ये मैच, और उदित हरियाणा ने ये मैच जीत लिया है और क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए।